Kangana, really good to see you. Thank you. The response is really good. Thank you. Kangana ke kaam ki tareef ho rahi hai, wo to ho rahi hai, lekin aapke role ko bhi bahut sara hai. Ji haan. क्या कहना चाहिए और अब तक सुबह से लेकर अब तक क्या कॉम्प्लीमेंट मिला? मुझे ऐसा लगता है जब हम इतनी मेहनत करते हैं और उसे लोग अप्रिशिएट करें तो किसको अच्छा नहीं लगता है. और ये मेरी डेब्यू फिल्म है ऑफ कोर्स, और कंगना के साथ साथ मेरी तारीफ होना बहुत बड़ी बात है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. और आई होप कि जैसा अभी तक प्यार मिल रहा है हम लोगों की फिल्म को, आगे भी हफ्तों में उतना ही प्यार मिले. एंड पीपल शुड जस्ट अप्रिशिएट द गुड वर्क, दैट्स इट. अब तक क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आया आपको बॉलीवुड से, इंडस्ट्री से? और आई थिंक मेरी डेब्यू है और मुझे जितने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं दे आर सुपर्ब. एक भी कोई अच्छा, एक हंस के भी कुछ बोल देता है तो अच्छा लग रहा है. तो आई थिंक जितने भी लोगों ने फिल्म देखी और जितने लोगों ने अप्रिशिएट अब तक किया है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीवन. और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए और बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में हम बनाकर आपको दिखाएंगे. सेकंड हाफ के बाद आपका किरदार. जी हाँ पावर में आती है, ऑडियंस बोल रही है. जी हाँ, मैं मुझे हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा ट्रांजिशन हुआ है पूरा. मैं पहले जो फर्स्ट हाफ में मैं उसमें एक लड़की हूँ जो है झलकरी बाई, सेकंड हाफ में वॉरियर बनती हूँ. तो वो एक जो है ट्रांजिशन वो बहुत अच्छा था और वही लोगों ने शायद देखा है, इसीलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं. ठाकरे और मणिकर्णिका का दोनों को सराहा जा रहा है. ओके सो अच्छी बात है. आई थिंक बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र की शान है. और आई थिंक जो फिल्म अच्छी है, जो ये सारी बायोपिक्स है, ये सारे लोग एक्चुअल रह चुके हैं. सो आई थिंक मुझे लगता है दोनों फिल्मों को उतना ही प्यार मिलना चाहिए जितना मिल रहा है. और लोगों की अपनी अपनी पसंद है, कौन किसकी बायोपिक देखना चाहते हैं, ये अपनी अपनी चॉइसेस हैं. कंगना से बात हुई? जी हाँ, कंगना से बात हुई. एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट द होल फिल्म. आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. थैंक यू. Thank you. It's Manikarnika. I have to look very Indian. Okay, it is a special screening for all the friends of Ankita. Right. What is the first reaction the moment she asked you to be here? Oh, I was thrilled. I was very happy and proud because, you know, being a television artist, when your fellow friends are doing well and doing good in films, you feel very proud. You feel that, you know, there are a lot of hopes and there are a lot of talent in TV industry which can do very well on the big screen. So I'm very happy and proud. I am so excited. मैंने इतना कुछ सुना है. I am so excited for Nihar also. He is my friend and Ankita Lokhande. So I'm very excited. All the best, Ankita. I'm just coming in 5 minutes and I'm gonna watch the film. Okay, post Sanju, what next? Post Sanju, there are a lot of film talks going on. Right now I'm busy with my television show which is getting over in a few days. So after that I think I'm going to start meeting a lot of film people, web series and TV. So I don't want to differentiate saying main TV hi karungi ya main films hi karungi. I think all work is very good. It's all good creative work. Thank you. The review is really good. I'm really excited to go and watch her work. I'm sure she'll be amazing. She's a very old friend, Ankita Lokhande. I'm very proud and very happy for her. Yeah, absolutely. We are here to support Ankita and we've also heard a lot of good things. And definitely we'll be waiting and we'll be waiting to give our honest reviews after watching the show. Yeah. So we are desperately waiting to watch the show. We just, you know, met her and she said ki mere jo dost hain mujhe unke liye se bada dar lagta hai, wo bahut honest hain. और डरना भी चाहिए. ऑल ऑफ अस आर देयर फॉर ईच अदर. और अगर कुछ कमियां लगेंगी, खामियां लगेंगी तो हम
एज एन एक्टर एक दूसरे को जरूर बताएंगे फॉर बेटरमेंट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. ऐसी कहानी है और सो काफ़ी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए. एंड लॉट ऑफ फ्रेंड्स आर देयर इन द फिल्म फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू एक्टर्स, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है. एंड आई वांट टू विश ऑल ऑफ देम ऑल द बेस्ट हियर. इट्स अ बिग फिल्म, इट्स अ बिग ब्रेक फॉर लॉट ऑफ पीपल. सो ये कितनी अच्छी बात है दोनों फिल्में में ठाकरे की बात करेक्ट है, दोनों को लोग सराह रहे हैं 100%. फिल्म अच्छी तो हर आदमी सराहेगा उसको, अगर फिल्म ही खराब होगी तो कोई बोलेगा नहीं. बट टचवुड दोनों ही फिल्में, दोनों में ही दोस्त हैं. एक अभिजीत की फिल्म है और ये मिस्टर कमल जैन की फिल्म है, तो दोनों ही दोस्त हैं, तो दोनों से अपेक्षा है कि अच्छा करेंगे ये फिल्में. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट बोथ द फिल्म्स आर गेटिंग गुड रिव्यूज, सो आई थिंक इंडस्ट्री के लिए अच्छा है. थैंक यू. यू आर हियर फॉर विच फिल्म? यस, मनी करने के लिए आया हूँ. बहुत पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं, बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं और एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स है फिल्म के आसपास. डू यू थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट? या 100%, बिकॉज मैंने इसमें गाना किया हुआ अंकिता का और उसका. और जब मुझे कंगना ने बताया था कि इस तरह की फिल्म है तो बहुत ही एक्साइट था मैं. और झांसी की रानी की कहानी है, बचपन से सुनते आ रहे, तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए फिल्म कैसी बनी और क्या है. अभी तक जो रिव्यू आए हैं बहुत पॉजिटिव आए हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात मेरे से ये है कि ठाकरे एक और फिल्म के साथ आ रही है, दोनों फिल्म को सराहा जा रहा है. अच्छी बात है ना, अच्छी कंटेंट की अच्छी फिल्में चल रही है और हमारे देश की बातें हो रही है, हमारे देश को प्रोत्साहन मिल रहा है सब चीज़ से. तो आई एम वेरी हैप्पी और मैं उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक इसको बहुत पसंद करे, बहुत प्यार करे और हमारी फिल्म में चले. खास तरह का अंदाज़ है आपका, जब भी मैं कोरियोग्राफी की बात करता हूँ चाहे वो संजय लीला मसानी की बाजीराव मस्तान कोई भी फिल्म जहाँ आप हिस्सा हैं तो एक नया टच देते हैं. सिम्भा. यस, जय सिम्भा. एक नया टच देते हैं, इसमें क्या खास था जब आपने यू एफ करोड़ा फिल्म में नीचे चौंक? इसमें एक गाना है, बहुत ज़बरदस्त गाना है जहाँ पे अंकिता का गाना है, जहाँ पे वो उनके मतलब मोहल्ले में डांस करती है और उसके हस्बैंड साथ में, और झांसी की रानी थोड़ा सा पार्ट निभाती है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट है और मुझे लगता है वो बहुत डंकीला गाना है, लोगों को बहुत पसंद आएगा. कुछ अलग किया है, मुझे बहुत पसंद आता है इस टाइप के गाना करना. ओके, थैंक यू.